और चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 200 पदों पर भर्ती से जुड़ा ये पूरा मामला और हाईकोर्ट ने भर्ती विज्ञापन पर रोक लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने ये आदेश दिए और आपको बता दें कि आदेश यहाँ पर दिए हैं और प्रदीप शर्मा की याचिका पर यह आदेश दिए गए हैं। याचिका में अधिवक्ता विज्ञान शाह ने बताया है कि उम्मीदवार के पास प्रशिक्षण होना जरूरी और लेकिन भर्ती विज्ञापन में इसकी छूट दी गई है, जिसे याचिका में चुनौती दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और ये नया जो मामला है वो यहाँ पर उजागर हुआ। कोर्ट में ये फैसला आया है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 200 पदों पर भर्ती से जुड़ा ये पूरा मामला हाईकोर्ट ने भर्ती विज्ञापन पर रोक लगाई है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने आदेश दिए हैं और प्रदीप शर्मा की याचिका पर यह आदेश दिए गए हैं। याचिका में अधिवक्ता विज्ञान शाह ने बताया है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी महेश पारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए, बताने चाहूंगा, राज्य सरकार ने एक भर्ती विज्ञापन निकाला था जिसमें कहा गया था कि जो विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं, यानी कि जो पहले से सरकारी सेवा में कर्मचारी जिनके पास श्रेष्ठ की योग्यता है, वह उनसे आवेदन मांगे जाए खाद्य सुरक्षा अधिकारी के, उन्हें नियुक्त किया जाए। इसे चैलेंज किया गया याचिकाकर्ता की ओर से। ये कहा गया कि जो नियमों के तहत जो प्रशिक्षण प्राप्त जो अभ्यर्थी है उनकी ही नियुक्ति हो सकती है। तो ये सुनवाई हुई थी कोर्ट ने, जो मामले में जो विज्ञापन था उसके तहत किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी। साथ ही साथ कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी करी है मामले में। कोर्ट ने कहा है कि सरकार खुद ही नहीं चाहती कि भर्तियां हैं वो सुचारू रूप से चले। एक तरफ तो 1 लाख भर्तियों की निकालने की बात की जाती है, वहीं दूसरी ओर ऐसी पेचीदगियों में भर्ती विज्ञापन में कर दी जाती है कि 80,000 जो पद है वो कोर्ट में अटक जाते हैं, यानी कि जो 80% भर्तियां हैं वो कोर्ट में अटक जाती हैं। तो सरकार खुद ही नहीं चाहती कि भर्तियां सुचारू हो और ऐसे त्रुटिपूर्ण विज्ञापन निकाले जाते हैं ताकि कोर्ट में आके भर्तियां अटक जाए। जी, चलिए महेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और